मित्रों नमस्कार गूगल प्ले स्टोर में यदि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो हम उसे कैसे इंस्टॉल करें कैसे हम अपने गूगल प्ले स्टोर को ठीक करें आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं आपको तो चलिए मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि मित्रों यहाँ पर मैं अपने गूगल प्ले स्टोर में एक म्यूजिक प्लेयर एम पी को मैं इंस्टॉल करने के लिए क्लिक कर रहा हूँ देखिए और मैं इसको इंस्टॉल करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है पेंडिंग लिख के आ रहा है ठीक और देखिए मैं एक दूसरा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ इसको कैंसिल कर देता हूँ देखिए यहाँ पर मैं दूसरा कोई एप्लीकेशन ले लेता हूँ वीडियो एडिटर ले, ले, ले लेते हैं इस बार चलिए देखिए ठीक वीडियो एडिटर में नीचे कोई भी एक एप्लीकेशन उठा लेते हैं ये देखिए और इसको इंस्टॉल मैं क्लिक कर रहा हूँ अब ये यहाँ पर पेंडिंग इस तरह से दिखाई दे रहा है और इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो इसे हमें कैसे ठीक करना है यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं तो मित्रों यहाँ पर मैं अपने गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर रखा हूँ और अब हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने जा रहे हैं जिन सेटिंग्स को आप ध्यान से फॉलो करिए तो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी सेटिंग्स हैं सबसे पहले हमको ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं माई एप्स एंड गेम इस पर हमें क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन हमको मिलता है अपडेट्स यहाँ पे यदि आपका कोई पेंडिंग अप्लीकेशन दिख रहा है जैसे हमारे में देखिए अपडेट दिखाई दे रहा है यदि यहाँ पर कोई पेंडिंग अप्लीकेशन दिखाई दे रहा है तो पेंडिंग के सामने गुणे का निशान दिखेगा आपको तो वहाँ से जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं तो गुणे के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से उनको रिमूव करना है मतलब जो भी पेंडिंग फाइल यहाँ पे हैं उनको हम हमें यहाँ से रिमूव करना है और अब इसके बाद हम इंस्टॉलेड इंस्टॉलेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ यदि आपको पेंडिंग दिख रहा है कोई आपका एप्लीकेशन तो उसको यहाँ से भी आपको रिमूव करना है इसके बाद हम ये लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी में देख लीजिए जैसा कि मैं जो पहले कभी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था और अपने मोबाइल से उसको अनइंस्टॉल कर चुका हूँ लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन दिखाई देंगे आपने अपने मोबाइल से तो अनइंस्टॉल कर दिया है लेकिन यहाँ पर वो लाइब्रेरी में आपको फिर भी दिखाई देंगे तो यहाँ ये देखिए गुणे के चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं इन पर क्लिक करके देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको और यहाँ पर रिमूव करना है यहाँ से तो यहाँ पर ये यह लाइब्रेरी आपकी पूरी खाली होनी चाहिए ये अपलिकेशनस जो आपने पहले इंस्टॉल किया था ये यह यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं इनको हमें गुणे पर क्लिक करके और रिमूव करना है अब इसके बाद यहाँ से हम बैक हो रहे हैं और बैक होने के बाद थ्री डॉट पर फिर से क्लिक करेंगे और नीचे आप देख रहे हैं सेटिंग्स सेटिंग्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए और सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमको ऐप डाउनलोड प्रीफ्रेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक रखना है यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पर टिक है और यहाँ पर टिक है तो इसको हटा के हमें ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक कर रखना है और डन पर क्लिक कर लेना है इसके बाद देखिए ऑटो तो अपडेट ऐप्स इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर टिक रखना है और डन पर क्लिक कर लेना है इसके बाद इस पेज को नीचे की तरफ़ स्क्रॉल करेंगे क्लियर लोकल सर्च हिस्टोरी इस पर क्लिक करके अपनी सर्च हिस्टोरी को क्लियर कर लेंगे इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप इसको स्क्रॉल करें यहाँ पर प्ले स्टोर वर्जन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे आप और यदि आपका प्ले स्टोर अपडेट के लिए मांग रहा होगा अपडेट के लिए चाहता होगा तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर आप अपने प्ले स्टोर को अपडेट कर लेंगे इसके बाद यहाँ से आप बैक हो जाएं आपको आखिरी सेटिंग और बताने जा रहा हूँ तो मित्रों तो लास्ट और इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूँ अब हमको अपने मोबाइल के सेटिंग पर क्लिक करना है मोबाइल के सेटिंग पर हम क्लिक कर लेंगे और मोबाइल के सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज यहाँ पर ओपन होगा इसको हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और हमको एप्स में जाना है यहाँ पर आपको एप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके नीचे डिफ़ॉल्ट ऐप्स लिखा हुआ है किसी किसी के मोबाइल में ऐप मैनेजर लिखा रहता है ऐप मैनेज के नाम से ये ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा तो इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल के पूरे अप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे अब यहाँ पर हमको गूगल प्ले स्टोर का अप्लीकेशन यहाँ पर हमको ढूँढना है नीचे की तरफ हम इस्क्रोल कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे हमको गूगल प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको मोबाइल डाटा बैटरी स्टोरेज मेमोरी ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं अब देखिए यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फोर्स स्टॉप फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर हम क्लिक करके और इफ़ यू फोर्स स्टॉप एन ऐप इट मे कॉस इरर्स यहाँ पर हम ओके okay पर क्लिक कर देंगे तो हमने यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर लिया इसके बाद हम स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और स्टोरेज पर क्लिक करने पर हमको देखिए नीचे क्लियर डाटा क्लियर डाटा का एक ऑप्शन मिल रहा है दूसरा ऑप्शन हमको क्लियर कैच का दिखाई दे रहा है तो हम सबसे पहले क्लियर कैच करेंगे क्लियर कैच पर हम क्लिक करेंगे देखिए हमने कर दिया है और अब आखिरी में हमको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और हम जैसे ही क्लियर डाटा पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसा पॉपअप मैसेज आता है ऑल ऑफ दिस अप्लीकेशन डाटा विल बी डिलेटेड परमानेंटली ठीक दिस इंक्लूड्स ऑल फाइल्स सेटिंग्स अकाउंट डाटा बेस ई टी सी ठीक ऐसा एक आपको पॉपअप मैसेज आ सकता है तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे और यहां से अब हमारे प्ले स्टोर की सेटिंग्स पूरी हो गई है ध्यान दीजिएगा मित्रों ये सेटिंग्स करने के बाद मोबाइल को आपको री जरूर करना है इसके बाद आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके और रीओपन करेंगे जैसे ही मोबाइल आपका रीओपन होगा तो आपके गूगल प्ले स्टोर में अप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा यदि इसके बाद भी इंस्टॉल नहीं होता है तो फिर आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं आशा करता हूँ मित्रों हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल अनमोल ज्ञान चार सौ इक्यासी को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद